अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी हम जा रहे हैं गीगा मॉल, मुझे अपने ईद के लिए जोड़ा लेना है और भी उसके साथ कुछ चीज़ें लूँगी, शायद कोई गुस्सा वगैरह लूँगी। अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह का ड्रेस लेती हूँ। मेरा ये होता है असूल कि मैं पहले सारे जो आउटलेट्स हैं उसको विज़िट करती हूँ, जो चीज़ें अच्छी लगे उसको मार्क कर लेती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ किसकी प्राइस कंपैरेटिवली, किस पे काम अच्छा है, किसके प्रिंट्स अच्छे हैं, तो इस तरह करके डिसाइड करती हूँ। तो बस अभी घर से निकले हैं, ज़ैना फातिमा स्कूल में है। इस टाइम पे ये है कि सही से ज़रा शॉपिंग हो जाएगी, फिर चारों बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो बस निकल गए हैं और अभी पहुंचेंगे गीगा और वहां जाके सारे ब्रांड्स पे जाऊंगी, विजिट करूंगी और प्राइस को और क्वालिटी को और उस पर कितना अच्छा वर्क है या एम्ब्रॉयडरी है या जिस तरह भी है वो सिलेक्ट करूंगी। और उसके बाद ये भी मैंने देखना होता है कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि कोई अनस्टिच ले लूँ, कोई स्टिच ले लूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है, कोई शायद ले ना। और ज़्यादा अगर ड्रेस पे पैचेस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हुई तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करूँगी कि कोई स्टिच देख लूँ, लेकिन अगर कोई ना अच्छा लगा तो फिर अनस्टिच की तरफ ही जाएंगे। तो बस अब चलते हैं और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को और फिर दिखाऊँगी कि क्या ख़रीदा। आज कोशिश करूँगी कि ये काम मेरा हो जाए। अच्छा जी, तो हम लोग आगे थे, आते ही हम लोग ना फर्स्ट फ्लोर, जो इनका ग्राउंड फ्लोर है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, जस्ट लाइक खादी है वहाँ पर, लाइमलाइट है। तो सबसे पहले मैं वहीं पे जाती हूँ क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है ना नॉर्मल होती हैं, खादी की प्राइसेस नॉर्मल होती हैं अब तो खैर, लेकिन इनकी भी ज़्यादा हो गई हैं। उसके अलावा लाइमलाइट की काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती हैं, लेकिन लाइमलाइट पर मुझे दो जोड़े पसंद आए और अनफॉर्चुनेटली दोनों में मेरा साइज़ नहीं था। मुझे इतना दुख हुआ, एक तो बहुत ही पसंद आया, ब्राइट रेड कलर का था, उस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो मुझे ये था कि रेड कलर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम पहना है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस ईद पे रेड कलर पहना जाए, लेकिन वो उसमें मेरा साइज़ ही नहीं था। खैर उसकी प्राइस भी ठीक थी, 7000 में बड़ा अच्छा थी, 3-piece सूट स्टिच्ड मिल रहा था विद एम्ब्रॉयडरी। खैर उसके बाद नीचे फिरते रहे, ये भी लाइमलाइट का ही है क्लिप और ये भी मुझे ड्रेस अच्छा लगा था, मैंने कहा कि इसको मैं ऑप्शन पे रख लूँगी। फिर विज़िट किया सेफायर, एथनिक, लेकिन इनमें तो इनसेन प्राइस थी, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस थी जो मुझे डिसेंट से कोई पसंद आ रहे थे। अच्छा मैं ना बड़ी डबल माइंडेड हुई थी, कोई डिसेंट सा लूँ, कोई चमकीला भड़कीला लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। डिसेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर जगह पहना जाता है, चमकीला भड़कीला जी ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सोच रही थी अच्छा घर में भी दो मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जो ज़रा फैंसी से हैं, लेकिन फिर दिल यही कह रहा था नहीं कुछ अच्छा सा ब्राइट सा लूँ, और मेरे हस्बैंड भी चाह रहे थे इस दफ़ा कुछ ना ब्राइट मैं लूँ, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरह के जोड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा महंगे थे 12,000 के, और मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। एक ड्रेस 12,000 का जो मैंने लिया है, खैर वो भी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी 12,000 बहुत ज़्यादा है एक ड्रेस के लिए। और बस प्राइस इतनी ज़्यादा हुई है हर ब्रांड पर, 6,000-5,000 में तो कोई जोड़ा मिलता ही नहीं है ना, तकरीबन 7,000 से शुरू होते हैं, 7,000 वो भी 999 लिखा होता है या 7,500 से ऊपर ही हैं सारे ड्रेसेस, वहाँ से स्टिच आइटम्स जो है ना वो शुरू होते हैं आर्टिकल्स, और फिर ऑनवर्ड जाते हैं जी 12,000 पे, 15 पे, एथनिक पे तो मतलब हद ही हुई थी ना, वहाँ पे तो जो अच्छा कोई जोड़ा था वो तो वो उसकी प्राइस आलमोस्ट ही 16,000-18,000-18-20 के रेंज में, तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी। मैं इससे पहले तो हमेशा हर ईद पर ख़ुद ड्रेस बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये है कि अब जाव्यार के साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं लेसिस ख़रीदूँ, मैं दर्जियों के पास जाऊँ या मैं ख़ुद सीने बैठूँ, इतनी मेहनत वाला काम अब मैं नहीं कर सकती। तो ये वाला भी ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसको भी माइंड में रख लिया था कि ये अच्छा है, पहनने में भी प्यारा लगेगा, और इसकी प्राइस भी आई थिंक 7,000 के अराउंड थी, और मुझे लगता था कि ये रीज़नेबल है ईद के लिए। लेकिन इसके साथ दुपट्टा नहीं था, ये गरारा था, और मेरे हस्बैंड को ना वैसे भी उन्होंने ऑनलाइन किसी का देखा था गरारा, तो वो कह रहे थे आप भी गरारा पहने, तो खैर मैंने इसको माइंड में रख लिया था कि अच्छा कहीं से कुछ ना मिला तो फिर मैं ले लूँगी ये। इसके कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह के ड्रेसेस, लेकिन ये मेरे हस्बैंड कहे थे बहुत ही सिंपल हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि मैं अपने हस्बैंड को साथ लेके जाती हूँ, हम दोनों मशवरा करते हैं, माननी मैंने उनकी नहीं होती, लेकिन बस उनको साथ लेके जाना होता है, जिस चीज़ पर वो ना कह दें फिर सोचती हूँ अच्छा ये बिल्कुल ही नहीं लेना, जो चीज़ मुझे पसंद आ रही होती है वो उनको नहीं पसंद आ रही होती, तो ऐसे ही शॉपिंग होती है। मैं बिल्कुल सोलली अपनी पसंद से नहीं शॉपिंग करती और ना उनकी पसंद से शॉपिंग करती हूँ, तो इस तरह कुछ हो रहा होता है तो फिर इंसान ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है। उसके बाद में आ गई ये सतरंगी पे, सतरंगी के भी अच्छे जोड़े होते हैं, लेकिन इनको कोई पसंद नहीं आ रहा था, जो मुझे पसंद आता था वो इनको नहीं पसंद आता था, पेंडू हैं ये हैं वो हैं, तो इस तरह हमारी बहस चल रही थी।
खैर ये मुझे कुछ जैकार्ड के पसंद आए थे, लेकिन अब जैकार्ड बहुत पहले भी मैंने 2 ईदों पे शायद जैकार्ड पहनी है, और अब ना ये टिपिकल टिपिकल सी लगती है, और ऐसा लगता है कि बस पुरानी चीज़ को ही पहनी हुई है। तो मैं जैकार्ड नहीं लेना चाह रही थी, मैं कुछ यहाँ तो बहुत डिसेंट लेना चाह रही थी कि जस्ट एम्ब्रॉयडर्ड हो और 3 पीस हो, और यहाँ फिर मैं ले रही थी कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा होना चाहिए। खैर फिर मैंने अपना जोड़ा ले लिया था, मुझे बातिक से पसंद आया था, और मुझे कभी भी, मैं उस ब्रांड पर नहीं गई, गई हुई हूँ लेकिन मुझे कभी वो जोड़ा लाइक उनके इतने कोई अपील नहीं किए, और यहाँ प्राइसेस बड़ी मुझे ज़्यादा लगती थी, लेकिन इस दफ़ा अच्छी मिल गई। उसके बाद मैंने मैचिंग करनी थी खुद से, कि मेरा इस दफ़ा ना बड़ा दिल था मैं ईद पे खुसा पहनूँ, थोड़ी ना ईस्टर्न सी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सी लुक जो है ना वो क्रिएट करूं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, और आगीगा मॉल में ना काफ़ी जगह जगह बैठे हुए हैं ये खुशों वाले, और इनके पे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। इस शॉप पे सारे वो 2500 के बता रहे थे, जो लाइक थोड़े काम वाले थे, और बाकी जो सिंपल थे वो 1000 के बता रहे थे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं। खैर मैंने पसंद किए, इज़्ज़त मेरा जूता मैच भी नहीं हो रहा था, जो मेरे ड्रेस के साथ जा रहा था ना वो यहाँ पे नहीं था। फिर हम दूसरे फ्लोर पे गए, तो वहाँ पर जो है ना मुझे अच्छे खुसे जो है ना वो मिल गए थे, और मेरे ड्रेस के साथ भी ना बड़े अच्छे मैच हो रहे थे। आई थिंक ये थी वो शॉप, इनके पास मेरे ड्रेस के साथ एग्जैक्ट मैचिंग खुसा था। वैसे तो मैं मैचिंग नहीं करती, मुझे होता है कि थोड़ा कलर ना थोड़ा कंट्रास्ट होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जूता डिफरेंट कलर का पहनना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि मैं इसके ऊपर गोल्डन चाह रही थी इस ड्रेस के साथ, या तो गोल्डन जाना था या ब्राउन जा सकता था जो मैंने लिया। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, वो दोनों ऑफ ऑफ लग रहे थे, कुछ अच्छे अच्छा नहीं लग रहे थे। फिर मैंने जो ग्रीन कलर का साथ मैच जो मैंने ड्रेस लिया था, मैंने उसके साथ ही फिर मैच कर लिया था, और बड़ा अच्छा हो गया था। फिर यहाँ से एक स्टॉल से मैंने इयररिंग्स ले लिए थे, और चूड़ियाँ भी ले ली थी, कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, ईद की सारी शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो जाए, मुझे कुछ भी ना लेने पड़े कहीं और जाके, क्योंकि बार बार मार्केट जाना बच्चों के साथ, कभी बच्चों को घर छोड़ के, बड़ा ही टायरिंग और बड़ा ही वो ना अजीब हो जाता है। खैर मेरी शॉपिंग हो गई थी डन, और कैन यू इमेजिन हमें 3.5 से 4 घंटे लग गए थे इस मॉल के अंदर, और मेरा सिर्फ एक जोड़ा ख़रीदना था, कुछ हमने नहीं लिया। ज़ावियर की 2 शर्ट्स ली थी, और उसके अलावा कुछ भी हमने नहीं लिया, लेकिन आप यकीन करें समझ नहीं आ रही थी। और आजकल ब्रांड्स पे ये हुआ हुआ है कि सब कुछ इतना मिक्स हुआ हुआ है ना, समझ नहीं लगती कि ना तो कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है और ना ही कोई कलर स्कीम फॉलो हो रही है, बस सब कुछ पड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, अभी मैं घर आ गई हूँ, शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, बड़ी मुश्किल से कोई जोड़ा पसंद आया। यकीन करें कि सर में दर्द होना शुरू हो गई थी, एक एक आउटलेट मैंने विजिट की है, बहुत ज़्यादा मारिया बी पे गई, खाड़ी, लाइम लाइट, इसके अलावा जुनेद जमशेद, जे अलमीरा, और एथनिक भी देखा, सफायर भी देखा, सब ब्रांड्स देखे। जिसका कोई काम पसंद आता था उसका कलर नहीं पसंद आता था, और अगर किसी का कलर पसंद आता था तो उसमें काम नहीं अच्छा होता था। तो लाइक बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीन्स हुए मेरे साथ, और समटाइम कुछ देर तो मुझे ना ऐसे ही थोड़ा रिग्रेट भी होना शुरू हो गया कि हस्बैंड भी मेरे साथ फिर रहे हैं और हमें कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही। पहले नीचे जो उनका फ्लोर है जहाँ पर मारिया भी है, लाइम लाइट है, इतना हमें टाइम लग गया, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से अब हम घर चलते हैं, बहुत टाइम लग गया। तो तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही थी, सर मेरा इतना फट रहा है, और लेकिन खैर फिर थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा नहीं ऊपर चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ ब्रांड्स हैं तो देख लेते हैं। तो बस वहाँ पर गए और काफ़ी ब्रांड्स पे मैं जा रही थी, देख रही थी, तो थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुई। फिर जनरेशन, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, जनरेशन के कपड़े उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम ना सीधा उधर ही चलते हैं, वहाँ से कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें बाकी चीज़ों से अगर कुछ ना पसंद आए तो जनरेशन से कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता। तो खैर उसकी तरफ जा ही रहे थे कि नज़र मेरी पड़ी बातिक पे, और मुझे ऐसे ही चली गई। वैसे मैं इस ब्रांड पे जाती नहीं होती, मुझे गई हुई हूँ लेकिन मुझे कम ही चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैंने सोचा कि चाहे चले जहाँ पर सब चीज़ों को देख रहे हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तो मैं बाय द वे वहाँ पर गई, और मुझे इतने अच्छे, आप यकीन करें कि जैसे ही मैं एंटर हुई शॉप में, और मुझे इतने कोई अच्छे वहाँ पर जोड़े लगे हैं ना, इतने फैंसी और इतना और रीज़नेबल, लाइक प्राइस तो फिर भी हाई है, मतलब मीडियम लेवल पे नहीं प्राइस आती, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड्स की नस्बत इस पर काम जो हुआ हुआ था, और दुपट्टा, और मतलब ईशन एवरीथिंग, तो मुझे लग रहा था कि ये कंपैरेटिवली बेटर है। तो मैंने अपना ईद का जोड़ा जी ले लिया है, बातिक से लिया है, बाकी मेरे पास कपड़े हैं
घर में कैजुअल पहनने के लिए भी हैं, इसके अलावा कहीं और भी आने जाने के लिए मेरे पास 2 दिन अच्छे जोड़े हैं। तो बस ये वाला वो होता है ना, ईद की फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा ईद आ रही है तो एक जोड़ा तो बनता ही है। तो मैंने हस्बैंड से कहा मुझे ईद का जोड़ा तो दिलवाए, तो फाइनली जो है मैंने जोड़ा ले लिया है। थोड़ा सा दिखाती हूँ, अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये एंजन पे गए तो हस्बैंड भी विजिट कर रहे थे बाकी शॉप्स भी, तो उन्होंने एंजन पे गए हैं तो मुझे ये इतनी कोई अच्छी लगी है ना जावियार के लिए शर्ट। मैं आपको बताऊँगी, ये मुझे एंजन पे सेल लगी हुई थी आई थिंक 30%, तो उधर से मैंने ये ली है। जावियार की कुर्ता शलवार भी इस सीज़न के लिए हो गई है, आम टी शर्ट्स भी उसके पास बहुत हैं जो आमना ने भेजी हुई थी। इसके अलावा हमें शॉर्ट्स भी ले लिए, पैंट्स भी ले ली, और जावियार की एक कॉलर वाली भी शर्ट मैंने ली हुई है। हर तरह की उसकी शर्ट्स हो गई थी, लेकिन ये जो स्टाइल था ना, ये जो पोलो शर्ट्स होती हैं, ये कॉलर वाली जो टी शर्ट्स होती हैं, ये वाला नहीं था स्टाइल। तो मुझे ये इतना कोई अच्छा लगा है, एक तो बड़ा स्टाइलिश लगता है, बच्चा बड़ा इसमें डिसेंट लगता है, कलर बहुत खूबसूरत है, और शॉर्ट्स के साथ भी अच्छा लगता है, और ये जीन्स के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसमें फिर 2 कलर ही थे, हम लोगों ने दोनों ले लिए। मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, एक ही आर्टिकल में अगर 2 कलर हो 3 कलर हो वो ले लेते हैं, उनको मतलब अगर कोई पसंद आ जाए। तो एक ये लिया है, मुझे इतना कोई कूल लगे हैं ना ये, गर्मियों के हिसाब से बड़े अच्छे हैं। और एक येलो कलर, तो ये दोनों ब्लैक जीन्स के साथ भी अच्छे लग सकते हैं, ब्लू के साथ भी अच्छे लग सकते हैं, तो मैंने सोचा ये दिखाऊं। अच्छा इसकी प्राइस बड़ी अच्छी है, ये 1200 रुपये में ये एक शर्ट पड़ी है, तो जो कि बहुत अच्छी है, ब्रांड की है। इसके अलावा गर्मियों में बड़ी अच्छी लगती है, और ये ख़राब भी नहीं होती, डी शेप भी नहीं होती, और बच्चों को पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो इसमें बड़े साइजेस भी थे, छोटे भी थे। हाँ, और एक और चीज़, आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जावियार के लिए कौन सा साइज़ लेती हैं, तो देखें डिफरेंट साइज ब्रांड्स के ना डिफरेंट साइजेस होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जावियार की एज है अभी 7 मंथ्स का हो गया, तो मैं उसके कपड़े लेती हूँ 18 to 24 मंथ्स के, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े अगर आप पहनाएंगे ना, अजीब ही लगते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं, जो हाथों में होते हैं, उन्होंने हम जब उनको उठाते हैं तो शर्ट्स ऊपर होगी, पैंट्स इधर उधर होगी, तो मैं थोड़े लूज थोड़े बड़े कपड़े लेती हूँ ताकि कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए ना, तो स्किन ना नजर आए, बुरा ना लगे। तो बस इस वजह से मैं बड़ा साइज लेती हूँ, लेकिन ऐसा है कि जावियार को ना चुस्त चुस्त कपड़े पहने भी अच्छे नहीं लगते। जावियार की जैसी फिजीक है ना, उसको खुले खुले कपड़े में वो और माशाल्लाह थोड़ा हेल्दी हेल्दी लगता है, प्यारा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बच्चों को आप टाइट कपड़े पहनाएंगे ना, तो फिर वो और कमज़ोर लगना शुरू हो जाते हैं। जावियार बहुत कोई मोटा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है, लाइक उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस फेस उसका राउंड सा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा लगता है। तो इसलिए मैं उसके जो कपड़े हैं ना, वो भी थोड़े लूज लेती हूँ। और बड़े कपड़ों का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर थोड़े बड़े आ भी जाएँ, तो अभी पूरी गर्मियाँ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई गर्मियाँ, तो ये तक सेप्टेम्बर तक गर्मियाँ रहेंगी, तो तब तक ये शर्ट इसको आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने ना इतने साइज़ के लेती हूँ। अभी पिछले दिनों भी जो उसकी शॉपिंग की, वो सारे मैंने 18 मंथ्स के ही लिए हैं, छोटे कपड़े। या एग्जैक्ट अगर आपके बच्चे हैं छोटे, उनके प्लीज़ छोटे कपड़े ना लें, क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह बड़े होना होता है। तो अगर 6 माह का आपका बच्चा है, तो उसके साल के कपड़े लें, ठीक है। और इसी तरह अभी न्यू बॉर्न है, तो 2-3 या 4-5 सूट ले लें आप 0 to 3 मंथ्स के, और बाकी फिर आप 6 मंथ या 1 ईयर के लें। तो साइजिंग में भी इशू हो जाता है, जो चाइना से आते हैं वो छोटे छोटे साइज के कपड़े होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स के और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कपड़े होते हैं ना, उनमें भी डिफरेंस होता है। तो ये तो होगी जावियार की शॉपिंग, उसके बाद आ जाते हैं मेरे ड्रेस पे। तो ये है जी मेरा ड्रेस, ये बड़ा प्यारा एक ना ऑलिव ग्रीन सा कलर है। मैंने शायद ये कलर पता नहीं पहना है कि नहीं पहना, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे, सब जो थे ना डार्क कलर थे, जैसे मैरून हो गया, इसके अलावा इसमें ब्लू कलर था, और चीज़ एक ही बनी हुई थी, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। हर डिज़ाइन में 2-3 कलर थे। इसमें मुझे फिरोजी कलर एक था, डार्क सा फिरोजी कलर, मैं उसमें बड़ी कन्फ्यूज़ थी कि वो लूँ कि ये लूँ, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके साथ शलवार है, और शलवार मेरी मोस्ट फेवरेट। तो ये शलवार कमीज और दुपट्टा, और इसका जो दुपट्टा है ना, वो भी नेट का है, नेट का दुपट्टा, फिर भी सर पे टिक जाता है, बाकी सब के साथ ना, और नहीं बाकी सब नहीं कहूँगी,
कुछ आर्टिकल्स थे जिनके साथ ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे और कुछ आर्टिकल्स थे जिनके साथ नेट के दुपट्टे थे। तो मैंने सोचा कि ये मैं नेट वर्क के दुपट्टे वाला लेती हूँ, वो फिर भी सर पे थोड़ी देर ना स्टे कर देता है। तो ये है जी मेरा ईद का ड्रेस, अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। और उसके साथ मैंने लिए हैं जी खुसा, मेरा बहुत दिल था इस दफ़ा खुसा पहनने का, तो ये लिया है जी मैंने खुसा। और आपने बताना है मुझे कि मेरी शॉपिंग कैसी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी क्लोज था मेरे ड्रेस के साथ। और ये भी हमने गीगा से ही ले लिया था, वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि हमें मिल गया। अब इसको कैसे मैं करूँ आई डोंट नो। अच्छा, और खैर बाकी चीज़ें मैं आपको बेड पे रख के कंप्लीट दिखाती हूँ कि कैसा है मेरा ड्रेस। अच्छा जी, तो ये है इसकी शर्ट, इस पे सारा ये जरी का काम हुआ हुआ है और थ्रेड वर्क है, लेकिन इसमें सितारे से लगे हुए हैं ना, जिसकी वजह से ये बड़ा फैंसी फैंसी लगता है। ऐसी कोई इसकी नेकलाइन बनी हुई है, स्लीव्स जो हैं इसके ये भी सारे एम्ब्रॉयडर्ड हैं। लॉन का ये ड्रेस है और इसकी लॉन भी अच्छी है कि फैंसी भी है, लेकिन लॉन का है तो इसलिए गर्मियों में मुश्किल नहीं होगी। और इस तरह का ड्रेस जो होता है ना, आप अगर गर्मियों में कोई शादी आ रही है ना तो भी पहन सकते हैं, लाइक मेहंदी पे किसी फंक्शन पे आप पहन सकते हैं, कोई निकाह का फंक्शन है, कोई इंगेजमेंट है, तो इस तरह के ड्रेसेस आप कैरी कर सकते हैं। बहुत मुझे ना ये अट्रैक्ट किया था तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और गर्मियों में वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कूल ठंडे ठंडे कलर पहनना, लेकिन थोड़े से इस तरह के कलर भी होने चाहिए और मुझ पर, मैं वहाँ पर बड़ा सूट करा था, मैंने लगा के देखा था। तो ये इसकी शर्ट है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शलवार, ये है जी इसकी बेल्ट वाली शलवार है। और नीचे पैंचों पे ना थोड़ा सा ये इस तरह पैच लगा हुआ है, लेस लगी हुई है, तो उससे थोड़ा सा ना ड्रेस जो है वो थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है। और खुली सी शलवार है, मैं बहुत ज़्यादा भी शौकीन हूँ खुली शलवारों की, पटियाला शलवार टाइप होगी, बेल्ट वाली खुली घेर की शलवार होगी, कुंदों वाली शलवार होगी। मैंने हमेशा अगर ख़ुद स्टिच करूँ फिर अपनी कुंदों वाली करती हूँ, मुझे खुले घेर की शलवार बहुत पसंद है। तो ये है जी इसकी शलवार, और इसका दुपट्टा अगर करें ना, ये दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो थोड़ा थोड़ा काम ना शलवार पे भी हुआ हुआ है, दुपट्टे पे भी हुआ हुआ है, तो पूरा सूट जो है ना इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ब्रांड्स पे 7,000 8,000 9,000 मतलब 7,000 का तो कोई रीज़नेबल ड्रेस आ ही नहीं ना रहा था, 8,000 9,000 10,000 स्टिच्ड, और मैंने 2,000 रुपीज़ जो है ना इंक्लूड कर लेती होती हूँ इसमें स्टिचिंग के भी, कि अगर अनस्टिच भी आपने लेना है तो 1,500-2,000 आपने टेलर को देना है, अगर 1,500 भी देना है 1,200 भी देना है तो आपकी 6,700-8,900 की 1,000 की लेसेस तो आ ही जाती हैं। दुपट्टे भी अगर कुछ करवाना है तो उसके अलग चार्जेस, तो अगर देखा जाए तो फिर उस हिसाब से ये ड्रेस जो है ना बिल्कुल ठीक है। और ये लिए हैं जी मैंने इसके साथ चीज़ें खुसा, मैंने बिल्कुल देख लें एग्जैक्ट मैच हो रहा है, बड़ा अच्छा। तो ये मैंने ले लिया, वैसे मैं कंट्रास्ट में जा रही थी लेकिन कंट्रास्ट में ना मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, और गोल्डन में भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था ना ऑफ वाइट में कुछ अच्छा था, तो फिर मैंने ये ग्रीन एग्जैक्ट मैचिंग ही कर लिया, अच्छा लगता है। और ये वाला कलर ना अक्सर शादियों वाले कपड़ों में होता है। उसके बाद जी मैंने ये ली हैं चूड़ियाँ, ये मैं बिल्कुल ग्रीन ही, क्योंकि बिल्कुल मैचिंग करके तो इंसान अजीब ही लगता है, ईच एंड एवरीथिंग अगर मैच कर ले तो। फिर मैंने कंट्रा उसको थोड़ा सा कलर एक जो आ रहा है ना पूरा ग्रीन, तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने इसमें चूड़ियाँ जो है ना वो वाइट कलर की ऐड कर ली हैं। वैसे मैं चाह रही थी इसके साथ रेड करूँ लेकिन रेड अच्छा कलर नहीं मिल रहा था, फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि ये वाला लें, उनको ये अच्छा लगा, फिर मैंने ये वाला ले लिया। मैंने बुंदे भी लिए लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, इतने प्यारे मैंने बुंदे लिए थे एक ही शॉप से जहाँ से मैंने बैंगल्स ली थी। तो इयररिंग्स देखती हूँ शायद बैग वगैरह में हों। खैर ये थी जी मेरी ईद की शॉपिंग। आप लोग बहुत पूछ रहे थे आप में से कुछ लोग कि आपने ईद का ड्रेस नहीं लेना, ईद की चीज़ें नहीं लेनी, तो जी फाइनली मैंने ले ली है, शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। बाकी मेरे पास जो कपड़े हैं वो जब पैकिंग करूँगी ना फिर दिखाऊंगी आपको, या ईद पे जब पहनूंगी कहीं पे जाऊंगी तैयार शार होंगी फिर दिखाऊंगी। तो ये था जी आज का ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।